दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग जो हैं रिसर्च के अंदर, पीएचडी के अंदर कहीं पे एनरोल होते हैं और वहाँ पे जो उनके गाइड हैं हीम और शी माइट आस्क यू कि भाई आप जो है अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके दो, उसके लिए आप भले डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम ले लो, 6 महीने 1 साल, लेकिन अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके दो। और मेरी नज़र में अगर बताया जाए तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर पीएचडी, न कि जो है कोई बना बनाया प्रोजेक्ट था और आप उस पर मजदूरी की तरह काम कर रहे हो। तो आपको जो है अपना प्रोजेक्ट खुद डिज़ाइन करना होगा। तो कैसे एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जाता है और कैसे उसे लिखा जाता है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कि कुछ ओरिजिनल वर्क करके कुछ ओरिजिनली कंट्रीब्यूट करने में विश्वास रखते हैं, ना कि 500,000 रुपये दे के यहाँ वहाँ से थीसिस खरीद के सबमिट करने में और डिग्री पाने में। फिर बात आती है कि अगर एक बार आपने एंट्री ले ली तो अब उसके अंदर जो है फिर आपको क्या करना होगा। तो देखिए, जब भी आप एंट्री लेते हैं तो या तो आप यू विल गो बाय योर इंटरेस्ट, जहाँ पे आपका रिसर्च इंटरेस्ट अगर कुछ इंक्लाइन हो रहा है, और अगर मान लो वो नहीं है और अगर आप किसी लैब में गए हो तो वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग वर्क चल रहा है और वहाँ पे ऑलरेडी कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे, बहुत सारी फैसिलिटी कुछ होगी, वहाँ पे आप क्या करते हो कि वहाँ जाके उस जो लैब की जो फील्ड है जहाँ पे ये सारी रिसर्च चल रही है तो उसका लिटरेचर पढ़ने की कोशिश करते हो, लिटरेचर समझने की कोशिश करते हो कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसकी फाउंडेशन क्या है और किस डायरेक्शन में जो है हम पहले करते हुए आए हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या क्या जो है ये रिसर्च चल रही है मेरे फील्ड से रिलेवेंट, यानी जो भी आपका फील्ड है उससे रिलेवेंट, और कहाँ कहाँ पे उनमें लूप होल्स है, वो आप जो है लूप होल्स निकालते हो, प्रॉब्लम को जो है आइडेंटिफाई करते हो। ये आपका एक तरह से सबसे पहला स्टेप होता है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपका लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या है जिस पे आप डील करना चाहते हो। रिव्यू ऑफ लिटरेचर की जहाँ तक बात है, जो लेट्स से बायोलॉजिकल साइंस वाले लोग हैं, मेडिसिनल वाले लोग हैं, वो पबमेड पे करते हैं, जो केमिस्ट्री वाले हैं वो पबकैम पे कर लेते हैं, लेकिन जैसे बहुत सारे ऐसे और भी फील्ड है जहाँ पे जैसे सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, यहाँ पे भी पीएचडी होती है, तो ये लोग जो है जैसे गूगल स्कॉलर है वहाँ से जो है एक्सेस कर सकते हैं और इस तरह के इन साइट से एक्सेस करके रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर सकते हैं। एक बार जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हो तो उसके बाद में आपको वहाँ पे जो है उस प्रॉब्लम से रिलेवेंट आपको कुछ समझ में आएगा कि ये जो है प्रॉब्लम काफ़ी प्रोमिनेंट है, और उस रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बेसिस पे प्लस आपके लैब के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, लैब के इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे, इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे आप कुछ सोच सकते हो, कुछ डिज़ाइन करने का एक आइडिया फॉर्म कर सकते हो कि भाई जो ये जो है शायद इस पे कुछ काम किया जा सकता है, जो कि हम इसे हाइपोथेसिस बोलते हैं, कि ये आप एक तरह से कैलकुलेटेड गैस है, और फिर आप जो है उसको ट्राई आउट करते हो विद द डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन एंड उनके फिर रिजल्ट्स को आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो। अगर आपकी हाइपोथेसिस काम करती है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं करती है तो आप उसी हाइपोथेसिस पे फिर से और दूसरी कोई हाइपोथेसिस बना सकते हो। हो सकता है कि एक ही हाइपोथेसिस के और भी बहुत सारे आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, बट इट ऑलवेज गोज लाइक दिस, एंड फाइनली जो है आप करते 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 जो है कुछ कंक्लूड करते हो, और वो जो कंक्लूड करते हो वो एक तरह से भली एक लाइन ही हो पूरा आपके रिसर्च वर्क का, लेकिन वो अगेन जो है किसी और के, यानी जो आपके फॉलोइंग पीएचडीज आएंगे या फॉलोइंग जो भी लोग आने वाले हैं उनके लिए एक तरह से रिव्यू ऑफ लिटरेचर का काम करती है। कुछ उसी तरह से जैसे जब आप अपने फील्ड में आए थे और जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे थे तो आपके सीनियर्स का, या जो मान लो 2016 में जिसने रिसर्च की होगी उन सबका जो है कॉन्ट्रीब्यूशन रहा होगा, तो सेम वे आप इस तरह से कुछ ओरिजिनल अगर आपने कुछ किया है तो वो जो है आप कंट्रीब्यूट करते हो, वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का पार्ट बन जाता है। और ये जो मैंने पूरा आपको बताया रिव्यू ऑफ लिटरेचर से लेके सारा का सारा, मतलब एनालाइज कंक्लूड करने से लेके, इसके ऊपर मैंने जो है पहले से एक वीडियो बना रखा है हाउ टू डील विद योर रिलेशनशिप, हाउ टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप पे, जो कि आप फन वे में उसे समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कैसे जो है साइंटिफिकली प्रोजेक्ट को लिखा जाता है, एकदम जिस तरह से रेफरेंसिंग वगैरह किस तरह से एकदम प्रॉपरली आर्टिकुलेट किया जाता है साइंटिफिक मैनर में, इसकी जानकारी जो है मैंने अपने पिछले एक वीडियो में दे रखा है कि हाउ टू प्रिपेयर अ रिसर्च प्रपोजल, आप वहाँ पे उसे जाके देख सकते हैं एंड वहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है लिखने के लेवल पे। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।